तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। देखें किस तरह हम लोग बंदे को किल करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज अपना मैच शुरू करते हैं। तो चलिए रुक भाई रुक, पहले ये बोलो, फिर अभी तुम मेरे बारे में बोलोगी। नहीं यार, हर बार बार थोड़े बोलेंगे, आज बार बार नहीं बोलेंगे। चल तुम बोलना, ठीक है? ठीक है, बोलो। सबके बाल में होता है जुआ। सबके बाल में होता है जुआ। और आज गेम में उड़ने वाला है। और आज गेम में उड़ने वाला है जुआ। भाई आज तुम अच्छा सारी बोले, मजा आ गया। तो दोस्तों हम यहाँ पे उतर जाते हैं यासना पुलियाना में, जो आज मेरा दोस्त कहता है पहला नंबर कि आज हम उतारेंगे, तो हम उसको उतारने का मौका देते हैं, तो वो सेफ उतार देता है। तो यहाँ पे हम उतरते हैं जश्न पुलियाना, और यहाँ पे हमको लेवल 3 का हेलमेट मिल जाता है। और फिर ये जो एक नंबर रहता है जो हमको उतारा रहता है, उसको हो जाता है वो नॉक। तो हम उसको अब रिवाइव करने जाते हैं, उसका पेट दर्द सही करें। सबका पेट दर्द सही कर दो, कभी देखा तुम्हारा ना खराब हो जाए, दूसरा को सही भी नहीं करेगा फिर। ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। तो यहाँ पे हम अपने दोस्त को रिवाइव करते हैं, और फिर उसके बाद उस बंदे को फिनिश करेंगे। तो ये बंदा मार कर देता है, बंदा कहाँ पे रहता है। तो चलिए हम लोग जाते हैं उसको फिनिश करने के लिए। और यहाँ पहले हम स्पॉट करें बंदा, तो जिस तरह स्पॉट करेंगे ज़्यादा सही रहता है, और पीछे से हमको बॉट मारने लगता है। तो इसको हम लोग पहले जल्दी से किल करें। नथन 5949, क्या क्या बॉट का नाम होता है, मस्त मस्त एकदम। तुम्हारी हर तो पहले के लिए बहनी बॉटी से होती है और फिर से नहीं होती है, शुरू में बॉटी आता है। तो यहाँ पे बंदा जो है, हम इसको जान से मार नहीं रहे थे, उसका मजा ले रहे थे, देखा क्या करता है ये। तो यहाँ पे बंदा अब चले जाता है 4 नंबर के पास, तो अब जल्दी से जाता है, हमको पता था 4 नंबर नॉक हो जाएगा, मार पाएगा नहीं। तो फिर हम जाते हैं, और ये बंदा अच्छा डैमेज देता है, और जैसे गोली बदलता है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। और ये मैक्सवेल रहता है, क्रिकेट वाला नहीं, पबजी वाला मैक्सवेल। तो हम इस बंदे को फिनिश कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको लूटते हैं। अब लूटने का फिर बॉटिंग मारोगे, हमको पता है। अब सामने आ जाएगा बॉट, छोड़ देते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग इस बॉट को यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, और यहाँ मेरा 3 किल कंफर्म हो जाता है। फिर इसको लूटते हैं, उसका M16A4 रहती है जो हमको चाहिए नहीं रहता है। मेरे पास अभी DP रहती है और UG रहती है, इससे मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए अब घर, अरे यार गोली रोड नहीं। फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 व्हीलर, और इसमें जो हमारा रहता है 4 नंबर, इसका नाम ही अलग है, चिरन मास्टर, ये बहुत पागलपन करता है। और हम 3 नंबर बोलते हैं गाड़ी लेके जाए, बात मानता ही नहीं है। ज़्यादा अच्छाई मत दिखाया करो, कंधवाले वाले बुराई होगी फिर बाद में पछताओगे, इसे दूसरे बारे से ज़्यादा पहले अपने बारे में सोचा करो। क्या हुआ, वैसे भी गेम ही तो है, क्या हो जाएगा दिक्कत हमको। तो फिर यहाँ पे एक और बॉट आता है, और ये उसको मार नहीं पाते, तो हम इसको फिनिश कर देते हैं, और इसका नाम हैप्पी। पूरे जंगल के बॉट तुम्हारे तरफ भी आ जाते हैं क्या, खींचे खींचे? देखो आते सबके पास, हम जो मार नहीं पाता उसमें मेरी क्या गलती है, हम मार देते हैं फिर। तो यहाँ पे ये बॉट फिनिश करने में 4 किल कंफर्म हो जाता है, और 1 नंबर गाड़ी लेके, ये तीनों को बोलते हैं गाड़ी लेके जाने के लिए, बहुत बार माइक ऑन करके, बस हम मानते ही नहीं हैं, क्योंकि 3 व्हीलर रहता है, 3 लोग जा सकते हैं। तो फिर सब अपने में चलते हैं, तो हम 1 नंबर कहते हैं लाओ गाड़ी मेरे पास ही लाओ, तो फिर हम ही चल जाएंगे लेके। हाँ तो पहले ये करना चाहिए था ना, गाड़ी लेके खुद ही चले जाना चाहिए था, जिसको आना रहता वो आता, खुद से नहीं आना रहता नहीं आता, उसमें क्या दिक्कत था। अरे ठीक है गुस्सा हो मत। तो यहाँ पे ये सब जो हैं अपने फालतूगिरी करते हैं, फिर हम निकल जाते हैं यहाँ पे। और मेरे निकलते ही आगे 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 अब हम यहाँ घूमते रहते हैं कि देखें कोई बंदे बंदे मिल जाएं, यहीं पे आ जाएं, क्योंकि जोन तो यहीं पड़ा रहता है। तो हम 1 नंबर को कह देते हैं कि आ जाओ वापस आ जाओ, बहुत देर हो गया था। तो 1 नंबर कहता है ठीक है हम आ रहे हैं। तो वो आता है गाड़ी लेके धूम धूम वाली, डिंक चिका डिंक चिका, गाड़ी 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 ला, डिंक चिका डिंक चिका। मैं भी गाना गाऊंगा, कल हो ना हो, पबजी हो ना हो, खेलना हो ना हो, कुछ हो ना हो। चलो बहुत गाना गा लिया, हम गेम में खेलने दो। तो यहाँ पे हम अब गाड़ी ले लेते हैं, और फिर 3 नंबर को बैठाने के लिए कहते हैं, आने के लिए कहते हैं, और फिर ये 4 नंबर थोड़ा चुटिया पकड़ना शुरू करता है, और यही गुस्सा लगता है हमको यहाँ पे। तो इसको हम मौली से फेंक देते हैं इसके ऊपर, ये मर जाए।
मेरे बॉली से जल्दी भाग जाता है वो, मेरे साथ और बम नहीं रहता, मैंने उड़ा दी रहते उसको हम। मूड खराब कर दिया था ये बंदा मेरा पूरा गेम का। हमको भी इस बंदे पे बहुत गुस्सा आया था, काश से मर जाते हैं पे मजा पर बस अब तो मार ही रहते तुम। हाँ हाँ मुझको बहुत गुस्सा आया था, मारना चाहिए था अच्छे से। अरे ठीक है आतंकवादी और मत करो काम। तो यहाँ पे इस बंदे को मेरी गाड़ी फोड़ ही देता तो क्या फ़ायदा उस गाड़ी जाने से, तो यहाँ पे खुद पैदल निकल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं जहाँ तक अपनी राह हम लोग पहुँचाता है। तो यहाँ बम चलता क्योंकि हम दोस्तों को बोलते तो मार दो बम है किसी के पास इसको, तो उसको मार पाते नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं रहता उसका। तो आज हम वीडियो हमको पता है बहुत दिन बाद बना रहे हैं क्योंकि मेरे पेपर था, उसकी बहुत चिंता है, हमें पीटीएम भी आने वाला है तो उसका और चिंता है। पीटीएम होता बहुत ख़राब चीज़, तो क्या कर सकते हैं अब। तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलते ही हम लोग में एक बंदा जो है 3 नंबर वो नॉक हो जाता है, अभी देखिएगा कैसे। और अब ये होने वाला है नॉक। आज ही नॉक होगा कि नहीं नॉक होगा, अब से क्या नॉक होगा देख। यहाँ पे 3 नंबर नॉक हो जाता है और 4 नंबर जो है उसको बंदे को मार देता है। अब ये सब जो बंदे होते हैं ये सब लूटने में ज़्यादा बिजी रहते हैं रिवाइव करने से ज़्यादा, तो ये बहुत गलत रहता है गेम में। पहले रिवाइव करो अपने बंदे को कि वो भी हील कर ले अपने आप को, फिर लूटते रहना क्या दिक्कत है, इतना लूटने के बाद भी उन लोग को इतना लूटना था। तो हम जल्दी से उन्हें दूर से भाग के आते हैं कि 4th नंबर मेरा 3rd नंबर मतलब रिवाइव हो जाए, तो हम इसको आके हाथ दे देते हैं, पेट दर्द का सही कर देते हैं। ये सब तो किसी काम ही के नहीं लग रहा है, उतना तुम ही को आना पड़ा रिवाइव देने की। बात तो सही है, बगैर कर भी क्या सकते हैं, अब हमको रिवाइव देना पड़ा। तो यहाँ पे वो बंदा रिवाइव देने के बाद हम भी लूट कर लेते हैं क्योंकि हमको पता था लूट तो मिलना ही जाएगा, कितना सब लूट लेंगे ना देर में। यहाँ पे बहुत फालतू चीज़ें जो निकाल देते हैं हम, 9 KM में जाते रखे हैं। अब यहाँ पे और कुछ चाहिए हमको, तो यहाँ पर कुछ गोलियाँ ड्रॉप कर देते क्योंकि मेरे पास गोली बहुत है, 2-4 है काफ़ी है। और वैसे हम DP जाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसका गोली का ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। अब बोलते ही रहोगे बंदे भी मारोगे। हाँ हाँ बंदे मार रहे हैं, रुक जाओ अभी। तो यहाँ पे हम लोग का जोन जो है हम लोग साथ ही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम DP ले लेते हैं, फिर सामने जो स्क्वाड हाउस है उसमें हम अब देखें चेक करें कि बंदे हैं कि नहीं, और यहाँ पे कोई बंदा दिखता तो है नहीं दूर से, तो यहाँ पे हम समझ जाते कोई बंदा है नहीं जॉर्ज पुल साइड में क्योंकि वहाँ जोन भी अब ख़त्म ही हो रहा था उधर से। कब बंदे आएंगे यार, बहुत देर से इंतजार करें थक गए हम। थोड़ी देर रुक जाओ, बंदे आएंगे तुम चिंता मत करो उसका। और अब अनाउंसमेंट हो ही गया पबजी का कि 30 अक्टूबर तक हम लोग के इंडिया में पबजी आ जाएगा, तो उसका दिक्कत नहीं रहेगा। और पबजी न्यू स्टेट का भी तो खबर नहीं है, अभी यहाँ पे लॉन्च भी नहीं हुआ है तो इसलिए अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पे टीम्स अपने वाले बोल देते हैं कि अभी हम तुमको छोड़ के आएंगे तो दूसरे वाले को लेने जाएंगे, फिर 4th नंबर को लेंगे नहीं हम, क्योंकि अब बंदा ढूंढना हमको बहुत देर ढूंढ रहे, मिलते नहीं बंदे हमको इस मैच में। तो फिर हम लोग चलते हैं आगे, अभी देखेंगे बंदे तब भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे अब आखिरी में, क्योंकि लास्ट का सीन है बड़ी ख़तरनाक वाला। और यहाँ पे हमको फिर जैसे तैसे करके बाइक मिल जाता है, तो बिना किसी देरी के हम लोग उस बाइक को ले लेते हैं और अपने दोस्त को कहते हैं आइए बैठिए सवारी करिए। गाड़ी वाला आया दोनों कचरे हैं यार, गाड़ी वाला आया दोनों कचरे हैं यार। तू फिर मेरा मजा लेना शुरू कर दिया, तुम क्या सोचे तुम्हारा मजा नहीं लेंगे क्या, तुम्हारा मजा तो लेने बहुत मजा आता है। ठीक है क्या कर सकते हैं आप। अब फिर अपने हम साथी को बोलते हैं यहाँ चलिए, अब यहीं पे मेन जो है फाइट होगा इंटेंस फाइट, तो हम वीडियो इसलिए ज़्यादा बड़ा बनाए हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत बात कर पाएँ बता पाएँ, तो बस इसीलिए, वरना वीडियो हम काट के वहीं का दिखाते हैं यहाँ पे हम फाइट करते हैं। तो यहाँ पे हम धूम मचाले धूम की तरह गाड़ी यहाँ पे पार्क करते हैं, अपने दोस्त को यहाँ पे उतारते हैं। तो दोस्त को कहते हैं उतरने के लिए उन्हें देर लगाता हूँ। मैं तो देर लगाऊंगा। Enemies ahead. अरे उसको बोले तुमको नहीं। ओह सॉरी। ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉप जो है गिर जाता है वहाँ पे, अपने दोस्तों को हम जो है वहाँ से ले भी आते हैं तो कोई इसमें दिक्कत रहता नहीं है। अब यहाँ पे हमको जहाँ सामने ड्रॉप दिख जाता है तो ड्रॉप पे आते हैं उसको लूटने ड्रॉप को, और ड्रॉप लूटते उसमें मेरा एक बंदा नॉक हो जाता है, तो हमको समझ आता है बंदा यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम एक को पहले ये देखिए यहाँ पे है फिनिश करते हैं, गली शूट पहना होता है जो, अब इसको फिनिश करने के बाद चलते हैं इसको लूटते हैं। अब मजा आएगा, अब
लड़ाई करना शुरू हुई। आज सुविधा के लिए खेद है, बस थोड़ा देर लग गया मारने में, तो यहाँ पे हम इस बंदे को मारने के बाद इसका गली सूट हम लूट लेते हैं। अपने टीम वाले को बोल देते हैं कि उसको रिवाइव भी कर दिया करो और जल्दी से, और संभल के रहना सब लोग। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे फिर गोली चलने लगता है, तो यहाँ पे मेरा बंदा नॉक हो जाता है एक, तो यहाँ पे हम इसको स्प्रे मारते हैं बंदे को, और ये बंदा जो है यहाँ पे हमको दिखता नहीं कुछ, तो हम बस अनदेखा फ्री फायर करने लगते हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। अब ये बंदा पता नहीं कौन सा पड़ा था, ये कूद के सामने आ रहा है, तो अभी तो जाना ही वाला कूद के सामने आया है, तो हम तुरंत गोली बदलते हैं, इसको फिनिश करते हैं, और मेरे दो बंदे इसमें ख़त्म जाते हैं। अब चौथा नंबर दिमाग लगा कर सोचता है पीछे से आके मारेगा और वो ख़त्म कर देगा, तो हमका चलो ठीक है ख़त्म कर देगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें आ रहा है फ़ायदा उससे, क्योंकि दो ही बंदे वहाँ के हैं और दो बंदे अपने हैं हम लोग। तो वो ऐसा ख़त्म करने जाता है और ये पता नहीं कहाँ से हमको मारता है, लगते जाता है शॉट, तो हम इसलिए पीछे फॉल बैक करते हैं, और फिर वो बंदा भी मेरे चौथे नंबर को ही मार देता है जो कोई कौन काम का नहीं था चौथा नंबर। तो फिर हम यहाँ पे बंदे को हरदम हम लोग को लोकेशन में बदलते रहना चाहिए, क्योंकि बंदा जान जाता है कौन से लोकेशन पे हो, तो चेंज करते रहेंगे तो उससे हम लोग फ़ायदा मिलेगा, कि बंदा जान नहीं पाएगा, कंफ्यूज रहेगा, और कंफ्यूज जिंदा रहेगा। अरे आराम से रुको जरा, सब्र करो थोड़ा। ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फिर हम लोग दीवार के बीच चले आते हैं और बंदे को देखिए, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बंदा है, तो अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि पता आना वहीं वाला है उसके, और ये बंदा पता नहीं कौन सा शौक पड़ता है यहीं आके अपने आप को हील करता है, क्योंकि जानता नहीं अपने लोकेशन से फ़ायदा रहता है लोकेशन चेंज करने का, और इस बंदे को यहाँ पे नॉक कर देते हैं। अब इसका साथी, इसका दिमाग देखिएगा, बस ये बंदा जो है मतलब सामने से आगे मारने को पता नहीं कौन सा दिमाग लगाया है, और तुरंत फिर फिनिश हो जाता है, और मेरा चिकन डिनर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।